हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैंने वैश्वीकरण के टॉपिक पर दो वीडियो बनाई है कि वैश्वीकरण की डेफिनेशन, उसके सकारात्मक नकारात्मक और उसके प्रभाव, सांस्कृतिक राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव। अब मैं जिसके बारे में बताने जा रहा हूं वो टॉपिक है मैकडोनाल्डीकरण। मैकडोनाल्डीकरण इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है? सिंपल भाषा में अगर मैं इसका अर्थ बताऊं तो क्या होगा कि विभिन्न देशों की संस्कृति पर पश्चिमी संस्कृति का हावी हो जाना मैकडोनाल्डीकरण कहलाता है। जैसे कि इसमें भी बता रखा है, विश्व के मैकडोनाल्डीकरण का अर्थ यह है कि विश्व पर कुछ शक्तिशाली देशों विशेषकर अमेरिका का सांस्कृतिक प्रभाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। विश्व में बर्गर तथा नीली जींस की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। मैकडोनाल्डीकरण के अंतर्गत विश्व वैसा ही बनता जा रहा है जैसा अमेरिकी संस्कृति जीवन शैली बनाना चाहती है। यानी अमेरिकी संस्कृति जिस प्रकार से विश्व को बनाना चाहती है उसी प्रकार का विश्व बनता जा रहा है। यानी वह अपनी संस्कृति को दूसरों की संस्कृति पर जबरदस्ती थोपने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि उसकी संस्कृति हावी होती जा रही है, क्योंकि हम उनकी संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। यही मैकडोनाल्डीकरण कहलाता है। दो नंबर में यह प्रश्न पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद जो मैं टॉपिक बताऊंगा वो भी कई बार पेपर में पूछा गया है। देखिए क्या है, यह टॉपिक है वैश्वीकरण का विरोध, कि वैश्वीकरण का विरोध क्यों किया जा रहा है। जो हमने पीछे पहली वीडियो में पढ़ा है, इसके नकारात्मक प्रभाव जो हमने पढ़े हैं, उन्हीं प्रभाव के कारण वैश्वीकरण का विरोध किया जा रहा है कि अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, कई देशों की संस्कृति नष्ट होती जा रही है, इसीलिए वैश्वीकरण का विरोध किया जा रहा है। देखिए अब मैं इसमें पढ़ता हूं, वैश्वीकरण बहस का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और पूरी दुनिया में इसकी आलोचना हो रही है। विरोध के पीछे तर्क क्या है? नंबर एक, वामपंथी राजनीतिक रुझान रखने वालों का तर्क है कि मौजूदा वैश्वीकरण विश्वव्यापी पूंजीवाद है। यानी पूंजीवाद, अमीर, फायदा, बेनिफिट, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था कहां पर अपना रखी है? अमेरिका जैसे देशों ने अपना रखी है और वह अपनी संस्कृति को जबरदस्ती दूसरे देशों पर थोपना चाहता है। यही पूंजीवाद है, विश्वव्यापी पूंजीवाद है और पूरा विश्व इसके अनुरूप ढलता जा रहा है। सबसे बड़ा खतरा यही है, यह वामपंथी राजनीतिक रुझान का तर्क है, वामपंथियों का तर्क है कि मौजूदा वैश्वीकरण विश्वव्यापी पूंजीवाद है, कि एक खास अवस्था है जो धनी को, जो धनी है, जो अमीर वर्ग के लोग है ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब वर्ग के लोग ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। वामपंथियों का कहना यही है कि इसका कारण जो अमीर, इसके कारण जो अमीर वर्ग के लोग है वो तो अमीर होते जा रहे हैं और गरीब वर्ग के लोग है वो गरीब होते जा रहे हैं, इसीलिए इसकी आलोचना की जा रही है। नंबर दो, राज्य के कमजोर होने से गरीबों के हित की रक्षा करने की उसकी क्षमता में कमी आ रही है। जो गरीबों की रक्षा करने वाला राज्य है उसमें कमजोरी आने के कारण वो उसकी रक्षा ही नहीं कर पा रहा, इसीलिए भी इसकी आलोचना की जा रही है। वैश्वीकरण के दक्षिणपंथी आलोचक इसके राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव को लेकर चिंतित है। जो इसके मेन प्रभाव है, जो हमने पीछे पढ़े हैं, राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव और सांस्कृतिक प्रभाव, इन प्रभाव को लेकर चिंतित है दक्षिणपंथी। जो दक्षिणपंथी के लोग हैं वो इन प्रभाव को लेकर चिंतित है। राजनीतिक अर्थों में उन्हें राज्य के कमजोर होने की चिंता है। वे चाहते हैं कि कम से कम कुछ क्षेत्रों में आर्थिक आत्मनिर्भरता और संरक्षणवाद का दौर फिर कायम हो। नंबर चार, कुछ लोग इसके सांस्कृतिक प्रभाव को लेकर चिंतित है। सांस्कृतिक प्रभाव कि लोगों की जो परंपरागत संस्कृति है वो नष्ट होती जा रही है, जो सदियों पुरानी संस्कृति है वो लुप्त होती जा रही है, लोगों के जीवन जीने के तरीके में परिवर्तन आ रहा है, पुरानी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, इसीलिए सांस्कृतिक प्रभाव को लेकर चिंतित है। कुछ लोग इसे साम्राज्यवाद का एक रूप मानते हैं। ये पांच पॉइंट है, ये पांच पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जिसके कारण इसका विरोध किया जा रहा है, वैश्वीकरण का विरोध किया जा रहा है, वैश्वीकरण का विरोध हो रहा है।
ये दो टॉपिक मैं इस छोटी सी वीडियो में कराऊंगा, सिर्फ ये दो टॉपिक कराऊंगा क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों टॉपिक। इसका एक पोर्शन और बचता है, उस पोर्शन को मैं इसके बाद कराऊंगा, इसके बाद ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। वैश्वीकरण से आपके जो भी प्रश्न बनेंगे सभी खत्म हो जाएंगे। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।